जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पोल्ट्री साइंस का आज हमारा पहला लेक्चर है। इस पहले लेक्चर में हम बेसिक्स ऑफ पोल्ट्री को देख लेते हैं। क्या सबसे पहले तो हमें जानना जरूरी होगा कि पोल्ट्री होती क्या है, तो उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ये पोल्ट्री कैन बी डिफाइंड एज डोमेस्टिक फाउल्स इंक्लूडिंग चिकन्स, टर्कीज, गीस एंड डक्स, रेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीट और एग्स, एंड द वर्ड इज ऑल्सो यूज फॉर द फ्लैश ऑफ दीज बर्ड यूज एज फूड। द इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका लिस्ट द सेम बर्ड ग्रुप बट ऑल्सो इंक्लूड गिनी फाउल एंड स्क्वैब्स, स्क्वैब्स यंग पिजन्स। तो बाई डेफिनेशन ये बना कि पोल्ट्री आमतौर पर जैसे हम तो तासर लेते हैं ना पोल्ट्री के अंदर, मतलब चिकन का लेते हैं, लेकिन पोल्ट्री ग्रुप के अंदर डोमेस्टिक फाउल आ जाते हैं जिनमें चिकन्स, टर्कीज, गीस और डक्स, ये चार चीजें शामिल हैं। और इनसे हम क्या लेते हैं, प्रोडक्शन ऑफ मीट और एग्स, दो प्रोडक्ट लेते हैं, मीट और एग जो मेजर प्रोडक्ट है। और लेकिन अगर वो कहता है कि हम साइक्लोपीडिया ब्रिटानिका को देखें तो वो इसमें गिनी फाउल और स्क्वैब्स को भी शामिल कर देता है। गिनी फाउल और स्क्वैब, स्क्वैब कहते हैं यंग पिजन को, इनको भी ऐड कर देता है। मतलब पोल्ट्री के अंदर ये जो है छह टाइप के परिंदे आमतौर पे आ जाते हैं जिसको हम मीट और यूज करते हैं एग के लिए, ये पोल्ट्री में आ जाती है। लेकिन जो हम जनरली पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसमें पोल्ट्री से चिकन ही मुराद लिया जाता है और चिकन से रिलेटेड ही ज्यादा आता है, मतलब जो भी उसमें पूछा जाए लेयर ब्रीडर या जो है ब्रॉयलर के बारे में। ठीक है, तो थोड़ा सा पोल्ट्री जैसे ये एक टर्म है कंपोजिट, इसके हवाले से अगर हम और कुछ मालूमात देख लें तो एक तो इनके साइंटिफिक नेम इम्पोर्टेंट है। जैसे सबसे पहले देखिएगा चिकन का जो साइंटिफिक नेम है वो है जी गैलस डोमेस्टिकस। उसके बाद देखिएगा डक का, ये है जी अनस प्लेटियरी प्लेटेरिंगस, पता नहीं क्या अजीब सा नाम है। पहला नाम तो देख रहे हैं अनस, वो जो हमारे ग्रुप में है ना लड़का अनस, ये वही है डक। तो जहां पे आंसर आ गया आपने डक लगा दिया। गीस आ गया आंसर, आंसर यूं गोल्डन ईगल आ गया, गिनी आ गया, इनमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें एक ही आ गया ऑस्ट्रिच और पिजन और कोयल। ये कोयल का तो पेपर में आया भी हुआ था, क्योटोनिक्स स्पीशीज जो है। ठीक है, बाकी एक दफा पढ़ सबको लीजिएगा, लेकिन इनमें इंपॉर्टेंट चिकन तो है ही है गैलस डोमेस्टिकस, यहाँ से फिर ओस्ट्रिच, टेट्रोथियो कैमेलस, उसके बाद पिजन, कोलंबा लीबिया और फिर कोयल, कोटोर्निक्स शिपिशियस। ठीक है, ये इस स्लाइड में ये इम्पोर्टेंट है। और अगली स्लाइड में देखिएगा यहाँ पे टर्की इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मेलीगैरस गैलो बोगो, बाकी भी मतलब देख लीजिएगा, रेड हॉर्न ओवन को बुगो बुगो कहते हैं, स्क्रीच ओवल को ट्योटो अल्बो कहते हैं और स्वान को जो है वो सेगनस शिपिशीज कहते हैं। ये डिफरेंट नाम है, इनको तो क्रैमिंग ही करनी पड़ेगी आपको। तो इसके बाद हम चिकन को बेसिकली देख लेते हैं और हम आगे जो भी लफ्ज मतलब चिकन के लिए पोल्ट्री का यूज करेंगे, पोल्ट्री का लफ्ज यूज करेंगे तो वो आम तौर पे जो ये हैन और ये वाला ग्रुप है बर्ड्स का उसके लिए यूज करेंगे। तो देखिएगा चिकन जो है उसका साइंटिफिक नेम आ गया, पहला पॉइंट देखिएगा गैलस डोमेस्टिकस, और ये वो बर्ड है जो मतलब फ्लाई नहीं कर सकता, फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं ये, कोशिश रनिंग करते हैं, फ्लैपिंग करते हैं विंग्स की, लेकिन अपना जो वजन है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते और अनेबल टू स्टेइंग इन एयर। ठीक हो गया, और कभी कभार थोड़ा बहुत उड़ लेते हैं शॉर्ट डिस्टेंस पे, जैसे फेंस के ऊपर से जंप लगाना हो, कोई इन पे कोई चीज हमला कर दे, जैसे कोई कैट वगैरह हमला कर दे तो जरा इन्होंने तब उनसे बचने के लिए जो है थोड़ा बहुत उड़ सकते हैं, लेकिन प्रॉपर इनके अंदर फ्लाइट कैपेसिटी नहीं है चिकन में, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, गैलस डोमेस्टिकस। उसके बाद आइएगा कि इनकी जो 150 से ऊपर शिपीशीज हैं
ब्रीड जो है वो 150 से ऊपर ब्रीड है चिकन की। और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये कहाँ से आए हैं, कहाँ से डिसेंड हुए हैं, तो साउथ ईस्ट एशियन रेड जंगल फाउल। इनके जो एंसेस्टर हैं वो हैं जी इंडियन एंड साउथ ईस्ट एशियन रेड जंगल फाउल, इनके एंसेस्टर हैं। उधर से ये डिसेंड होके अब वाले जो फिर बन गए, मतलब लेयर और जो ब्रायलर है वो इस तरह डिवीजन हो गई। इस स्लाइड में ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि एक तो इनकी शिपी चीज जो है वो 150 के राउंड अबाउट है, और ये कहाँ से डिसेंड किए हैं, कहाँ से निकले हैं, इंडियन एंड साउथ ईस्ट एशियन रेड जंगल फाउल से ये डिसेंड किए हैं। आगे आइएगा, अच्छा ये वसीम ने मैसेज किया कि रेड जंगल फाउल का जो नाम है वो है गैलस गैलस। ठीक हो गया। अब ये पॉइंट देखिएगा कि जो पहले पॉइंट में कहता है कि मोस्टली ज्यादा बर्ड जो है वो चिकन है बर्ड में किसी भी दूसरे बर्ड के मुकाबले में, क्योंकि इनकी रेयरिंग होती है। रेयरिंग इनको किस किस लिए रखा जाता है, एज ए पेट रखा जाता है, जो फैंसी बर्ड्स होते हैं उनके लिए, ब्रीडिंग के लिए रखा जाता है, एग के लिए रखा जाता है, और फूड प्रोडक्ट के तौर पे रखा जाता है। लेकिन जो मोस्टली यूज होते हैं वो दो चीजों के लिए यूज होते हैं, एक इनका मीट जिसको चिकन कहते हैं, और दूसरा इनका जो एग। मीट और एग के लिए ये मोस्टली यूज होते हैं, लेकिन इनको एज ए पेट भी रखा जा सकता है और एज ए ब्रीडिंग के लिए भी लोग रखते हैं, जो ऑर्नामेंटल बर्ड्स होते हैं उनके तौर पे भी इनको रखते हैं। अच्छा कुछ टर्मिनोलॉजीज देख लीजिएगा चिकन से रिलेटेड, ये जो फीमेल चिकन होती है उसको हैन कहते हैं, जी मैंने म्यूट किया था थोड़ी देर के लिए। अच्छा बात कर रहे थे कि कुछ टर्मिनोलॉजीज देखिएगा कि जो फीमेल चिकन होती है उसको हैन कहते हैं, और वो आपको पता है एग प्रोड्यूस करती है। एग का जो कलर है वो वेरी कर सकता है, ठीक है, वाइट से लेके ब्राउन तक, और कुछ जगह तो जो ऑर्नामेंटल बर्ड्स हैं उनका ब्लैक कलर तक भी एग होता है। तो लेकिन मोस्टली जो आमतौर पे यहाँ होते हैं तो उनका कलर वाइट से रेंज करता है ब्राउन तक। और जो मेल चिकन होता है उसको कहते हैं रोस्टर, और रोस्टर और मेल चिकन हो गया रोस्टर, फीमेल चिकन हो गई हैन, और रोस्टर जो है उसको डिफरेंशिएट करते हैं प्लूमेज के जरिए। प्लूमेज कहते हैं इनका जो ऊपर कोट होता है, हेयर, वो जो पर होते हैं उनको कहते हैं, ठीक है, प्लूमेज, उनका जो पैटर्न होता है। और वैसे जो रोस्टर होता है वो लार्ज भी होता है और ब्राइट भी होता है कलर के अंदर हैन के मुकाबले में, ठीक है। इसके अलावा इसकी जो मेल होता है उसकी कॉम्ब भी लार्ज होती है, हेड के ऊपर जो कॉम्ब होती है वो भी लार्ज होती है। वॉइस से भी इनको डिफरेंशिएट किया जा सकता है, वॉइस जो होती है वो लाउड होती है मेल की, ठीक है। सपर वही प्लूमेज में आ जाएगा ना, वो स्पर वो जो पंजे के पास होता है वो सिर्फ आप बता रहे हैं कि मेल में होता है, फीमेल में नहीं होता स्पर जो होता है। बड़ा होता है, ठीक है। और ये जो है ऑलमोस्ट ज्यादा थोड़े एग्रेसिव होते हैं के मुकाबले में। ये कुछ पॉइंट हो गए कि जो मेल और फीमेल के दरमियान फर्क होता है। एक तो इनका प्लूमेज पैटर्न चेंज होता है, जो इनके पर होते हैं ना इसके अंदर तीन टाइप के इनके होते हैं पर, प्राइमरी फीडर्स होते हैं, सेकेंडरी फीडर्स होते हैं, और एक्जियल फीडर्स होते हैं। तो उनका जो पैटर्न होता है ना डिफरेंट, वो कि कौन सा बड़े साइज का है, टिप्स किसकी राउंड है, उस हवाले से इनके अंदर थोड़ी सी चेंजेस होती हैं। इसके अलावा कॉम्ब के हवाले से इनकी चेंज होती है, जो इनकी कलगी होती है, जो मेल बर्ड होते हैं उनकी कलगी बड़ी होती है। इसके अलावा इनकी जो वॉइस का फर्क है वो कि मेल की जरा लाउड वॉइस होती है,
और अग्रेसिव बिहेवियर होता है। इसके अलावा स्पर का ये बता रहे हैं स्टूडेंट के, स्पर जो होता है वो मेल के अंदर बड़ा होता है, फीमेल के अंदर छोटा होता है। स्पर कहते हैं ये जो पंजा होता है ना परिंदे का, उसके ऊपर एक होता है, ये फाइटिंग के लिए भी यूज करते हैं। वो फाइटर जो इनको फाइटिंग करवाते हैं ना मुर्गों की, वो स्पर को तेज करते हैं, वो लड़ाई करते हुए, ताकि दूसरे जो मुर्गा है उसके गले पे फेर देना या जिस्म पे फेरना, उसको स्पर कहते हैं पंजे के ऊपर। अच्छा आगे चलते हैं, ये देखिएगा, यंग जो चिकन होते हैं, छोटे चिकन होते हैं मासूम मासूम से, उनको चिक्स या पोल्स कहते हैं, चिक्स या पोल्स कहते हैं। देखें कितने प्यारे प्यारे। चलें इसको कंफर्म कर लीजिएगा कि स्पर सिर्फ साइज का फर्क होता है या मेल में सिर्फ होता है, फीमेल में होता ही नहीं है, ये देख लीजिएगा इसको। ये वाला देखें, ये नाराज खड़ा है, ये दूसरी तरफ करके खड़ा है, ये नाराज। आगे चलते हैं। अच्छा चिकन जो है आमतौर पे जो है खाता क्या है, तो ये इस हवाले से याद रखिएगा कि चिकन आर ओमनीवोर्स, एमसीक्यूज के हवाले से, ये जो है ना कार्निवोर है ना हर्बीवोर है, ये ओमनीवोर है, ये दोनों ही चीजें खाते हैं। ठीक है, ये स्मॉल सीड्स भी खा लेते हैं, हर्ब्स भी खा लेते हैं, लीव्स भी खा लेते हैं, ग्रब्स भी खा लेते हैं, इंसेक्ट भी खा लेते हैं, ठीक है, और इवन के माइस वगैरह भी खा लेते हैं। अब इंसेक्ट्स और माइस को भी खा लेते हैं तो फिर ये एक किस्म का इनको गोश्तखोर भी कह सकते हैं, ओमनीवोर हो जाते हैं। ये गोश्तखोर और सब्जी खोर जो दोनों चीजें करते हैं उनको ओमनीवोर कहते हैं, जो सिर्फ वेजिटेबल्स वगैरह खाते हैं उनको हर्बीवोर कहते हैं, जो गोश्त खाते हैं उनको कार्निवोर्स कहते हैं, और जो दोनों चीजें खा लेते हैं उनको ओमनीवोर कहते हैं। तो चिकन जो है वो बेसिकली ओमनीवोर होते हैं। जो आमतौर पे घरों में रखी होती हैं मुर्गियां, वो तो बस जो है सब्जियों में से कुछ तलाश करके जमीन से कोई कीड़े मकोड़े उनके खा लेती हैं। जो जरा ये परिंदे शेडों में रखे जाते हैं, वो जरा मम्मी डैडी होते हैं, उनकी कमर्शियली फीड होती है बनी हुई, वो उनको कमर्शियल फीड दी जाती है, उसके अंदर एनिमल सोर्स भी यूज होता है और जो है प्लांट सोर्स भी यूज होता है वो फीड बनाने के लिए। देखें तीसरे पॉइंट में वो बता रहा है कि एडल्ट इंसेक्ट्स और लार्वा वगैरह को भी खा लेता है। इसके अलावा इनका गिजर्ड जो होता है वो वेल ड्वेल्ड होता है, ये स्टोमक का एक पार्ट होता है, और ये इस जो है तीन स्टोन होते हैं इसके अंदर, और ये ग्राइंड करता है फूड को। ये आप लगा लें कि मस्कुलर पार्ट होता है जो है गिजर्ड, ठीक है, और इसके ऊपर गिजर्ड के ऊपर जो है ना ऐसे आप लगा लें ये इस तरह करके, ये अगर इसके मतलब ऊपर से ऐसो फेकेस आ रही है ना, ऐसो फेकेस आ रही है जुड़ी इसके साथ, तो ये पहले ऊपर आता है, इसको कहते हैं प्रोवेंट्रिकुलस, और उसके बाद ऐसे गिजर्ड करके आता है ऐसे, फिर वो आगे इंटरस्टाइन में जाता है। तो ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम कहते हैं जो है प्रोवेंट्रिकुलस, ये ग्लैंडुलर पार्ट होता है, इसमें ग्लैंड होते हैं, और ये जो पार्ट होता है नीचे वाला इसको कहते हैं गिजर्ड, ये गिजर्ड हो गया, ये प्रोवेंट्रिकुलस हो गया, ये ऊपर मतलब एसोफेगस हो गई, ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, और नीचे फिर मतलब जो है पार्ट उसको इंटेस्टाइन कहते हैं, और यहाँ पे एक पार्ट जो है वो क्रॉप आ जाता है, उसको क्रॉप कह देते हैं, ठीक है, और ये हम लगा सकते हैं परिंदा। ठीक है, देखने में तो ये मगरमच्छ लग रहा है लेकिन ये परिंदा ही बनाया है मैंने, ठीक है, कंसीडर कर रहे हैं इसको। तो बताने का मकसद ये था कि इसके अंदर गिजर्ड होता है, गिजर्ड जो होता है वो मस्कुलर पार्ट होता है, ये ग्राइंडिंग के लिए यूज होता है फूड की, और जो प्रोवेंट्रिकुलस होता है वो यूज होता है इसलिए जी वो एंजाइम एंजाइमेटिक होता है पार्ट, वहां पे एंजाइम हार्मोन। अच्छा
और चिकन के बारे में और मालूमात देखिएगा कि इसके अंदर जो है कुछ डिजीजेज वगैरह जो होती हैं वो बैक्टीरियल भी होती हैं और वायरल भी होती हैं। इसके अलावा जो है पैरासिटिक डिजीजेज भी होती हैं, इनमें लाइस, माइट्स, टिक्स, फ्लीज, ये जो एक्सटर्नल पैरासाइट्स हैं वो भी होते हैं और वर्म्स भी होते हैं, मतलब कि इंटरनल पैरासाइट भी इनके अंदर होते हैं और एक्सटर्नल भी होते हैं। वो अगले लेक्चर में हम देख लेंगे इनकी जो डिफरेंट डिजीजेज हैं उसको। लाइफ स्पैन देखिएगा, आमतौर पे जो इसकी लाइफ स्पैन है वो 5 to 7 year तक होती है। एक जो मुर्गी है वो 5 से 7 साल तक जिंदा रह सकती है, लेकिन 20 साल तक भी जा सकती है, इसके ऊपर मैक्सिमम 20 तक जा सकती है, लेकिन एवरेज उम्र 5 से 7 साल होती है जो ये बर्ड्स होते हैं, मुर्गियाँ होती हैं उनकी। बाकी फिर जो उनको जेनेटिकली मॉडिफाइड करके जो ब्रायलर है वो फिर अलहदा अलहदा उनका एज आ जाता है, मतलब वो 45 दिन में ही उसको तैयार कर देते हैं, 45 या 35 36 में भी हो जाता है। जो लेयर है वो 2 साल तक, और ब्रीडर वगैरह भी 2 साल तक या 1.5 से 2 साल तक, वो एक अलग है। लेकिन जो नेचुरल उम्र है एक इनकी, वो जैसे कोई देसी मुर्गी वगैरह किसी ने रखी है तो 5 से 7 साल तक जा सकती है। ये जो होती हैं अपना देसी देसी मुर्गियाँ, ये 20 साल तक जा सकती हैं। देसी में भी फिर डिफरेंट आ जाती है, मिस्री, असील, इस तरह करके ना। अच्छा आगे चलते हैं, ये वही फिर बेसिक टर्म्स आ गए। साइंटिफिक नेम हो गया गैलस डोमेस्टिकस। चिक या पुलेट कहते हैं न्यू बोर्न को, ठीक है, न्यू बोर्न को चिक कह देते हैं, पुलेट कह देते हैं लेस देन 5 to 6 month ऑफ एज, वो पुलेट में आ जाता है। हैं जो होती है वो मेच्योर फीमेल चिकन होती है, और रोस्टर जो है वो मेल मेच्योर चिकन होता है। ये पहले भी हमने देखे हैं ये पॉइंट, देख लीजिएगा मजीद। कैपन किसको कहते हैं? कास्ट्रेटेड मेल चिकन, जो मेल चिकन कास्ट्रेटेड हो उसको कैपन कहते हैं। लेयर वो मुर्गी जो अंडे देती है उसको लेयर कहते हैं। ब्रायलर या फ्लायर किसको कहते हैं? वो चिकन जो हम मीट की प्रोडक्शन के लिए, गोश्त के लिए यूज करते हैं उसको ब्रायलर या फ्लायर कहते हैं। एक इकट्ठे ग्रुप के अंदर ही होंगे चिकन तो उसको फ्लॉक कहेंगे, ठीक है, ये फ्लॉक। जैसे जो लार्ज है एनिमल्स हैं वो इकट्ठे हो तो जैसे हर्ड कहते हैं अपना, ये शीप एंड गोट के फ्लॉक हो जो वो इकट्ठे हो ग्रुप, तो इसको कहते हैं फ्लॉक जब ये इकट्ठे हो। उसके बाद एक टर्म आ जाता है कैंडलिंग। कैंडलिंग एक टर्म होता है कि एग को देखना रोशनी के अंदर और उसके अंदर की चीजों को ऑब्जर्व करना, ठीक है। इसके अंदर कैंडलिंग आमतौर पे हैचरी वगैरह पे यूज होती है, देख लेते हैं वो पहले ही कि क्या ये अंदर जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है वो चल रहा है अंदर, ये ब्रीडर के जो एग्स होते हैं कि आगे इसमें से चिकन निकलना भी है कि नहीं निकलना, वहां पे कैंडलिंग के जरिए उसको देखा जाता है। कुछ जो शो के तौर पे घरों पे इनक्यूबेटर रखते हैं वो भी कैंडलिंग करके देख लेते हैं, मतलब बाकी रूम में जरा रोशनी बंद कर दी, एग को सामने रखा, कोई कैंडल जला ली या कोई रोशनी डाली एग के ऊपर और उसको ऑब्जर्व किया, एग सेल के अंदर नजर आता है उसमें कि क्या चीज मौजूद है क्या नहीं मौजूद, तो उस प्रोसेस को कैंडलिंग कहते हैं। और क्लच क्या होता है? नेस्ट ऑफ एग्स को कहते हैं। क्लच से मुराद इनका पीरियड होता है अंडे देने का, ठीक है, एक टाइम में जो अंडे ये देती हैं उसको हम क्लच इनका कहते हैं। ये बेसिक टर्मिनोलॉजी हो गई इसकी। उसके बाद और देखिएगा एग्जियल फीडर क्या होते हैं। एग्जियल फीडर वो होते हैं जो प्राइमरी फीडर और सेकेंडरी फीडर्स को अलग-अलग करते हैं। मैंने आपको बताया था इनमें 3 तरह के फीडर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और एक्जियल। तो एक्जियल फीडर कौन से हुए? जो प्राइमरी फीडर और सेकेंडरी फीडर्स को अलग-अलग करते हैं, ठीक है। मोल्टिंग क्या होती है? मोल्टिंग आपको पता है कि फीडर्स को अपने उतार देना, ये बाकी भी एनिमल्स में कईयों में होती है मोल्टिंग। मोल्टिंग प्रोसेस होता है फीडर्स को अपने को उतार देना, तो दोबारा से फिर वो नए फीडर आते हैं, इसको मोल्टिंग कहते हैं। ये आमतौर पे ब्रीडर्स के फार्म पे कराई जाती है, या रेट वगैरह अच्छा ना हो
फॉर एग्जाम्पल चिकन, मतलब ब्रायलर चिकन जो है मार्केट में सेल हो रहा है, चूजा सेल हो रहा है डिफरेंट कंपनियों को जो है ब्रीडर फार्म से, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि फॉर एग्जाम्पल आप लगा लेंगे 30 रुपए में एक चूजा तैयार होता है, हम एक वैसे एस्टिमेट कर लेते हैं कि 30 रुपए में एक चूजा तैयार होता है ब्रीडर से। अब वो कोशिश तो होगी ना कंपनी की कि वो 35 से 40 रुपए में बिके, थोड़ा फायदा हो, लेकिन सम टाइम इस तरह होता है कि रेट वो डाउन हो जाता है, लोग चूजा खरीद नहीं रहे होते, तो वो जो रेट होता है वो आप समझ लें कि 5 रुपये 10 रुपये पे आ जाता है। अब 5 10 में तो कंपनी नहीं बेचेगी ना चूजा, जिस पे कॉस्ट उसकी 30 रुपये आ रही है वो 5 रुपये 10 रुपये में कैसे बेचेगी। तो फिर वो क्या करते हैं कि ब्रीडर फ्लॉक को मोल्टिंग पे लगा देते हैं। मोल्टिंग से मुराद ये होता है उसकी फीड वगैरह बंद कर देते हैं, पानी बंद कर देते हैं, लाइट्स वगैरह बंद कर देते हैं, यानी वो सारी चीजें जो एग प्रोड्यूस करने का काज बनती हैं वो बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से जो बर्ड होता है उसकी तो अपनी एनर्जी पूरी नहीं होती जितनी उसको फीड, बस इतनी देते हैं जिंदा रहने के। तो ये तो मैंने देखा भी था एक ब्रीडर फार्म पे, शबीर फीड के फार्म पे तब इंटर्नशिप पे, तो वो बड़ा मतलब जुल्म है वैसे ये है तो, मतलब खिलाफ ह्यूमैनिटी के, करना नहीं चाहिए। तो कई परिंदे उसमें मर भी जाते हैं भूख की वजह से, जो जिंदा रह जाते हैं वो ये है कि जब रेट बेहतर होता है तो दोबारा से जो है उनकी फीडिंग वाटरिंग और लाइट उनको दोबारा दी जाती है, और वो दोबारा से उनके फीडर आते हैं और वो दोबारा से एग प्रोडक्शन पे आ जाते हैं। जी लेयर में भी किया जाता है जब एग की जो है प्राइस ना मार्केट से मिल रही हो प्रॉपर, ठीक है, अंडा जो है वो सस्ता बिक रहा हो तो वो फिर उसको लगा देते हैं मोल्टिंग पे। अच्छा उसके बाद देखिएगा ओवी पोजीशन। ओवी पोजीशन क्या होती है, जो बर्ड एग को ले करता है अंडा देता है उसको ओवी पोजीशन कहते हैं, कि कौन सा एंड जो है वो पहले बाहर आता है। तो बता सकते हैं कौन सा एंड पहले बाहर आता है एग का जो है वो, बेसिकली एग इस शेप का होगा ना, ऊपर से जो है वो ब्रीक और नीचे से थोड़ा सा जो होगा जी ब्रॉडर एंड जो है वो पहले बार आता है, और ये वाला एंड जो है इसको ओवी पोजीशन कहते हैं अंडा देने की, जो उसकी है ब्रॉडर एंड जी पहले बार आता है। प्लूमेज किसको कहते हैं, फीडर और बर्ड्स को कहते हैं प्लूमेज, जो इसका फीडर पैटर्न होता है बर्ड्स का जो पर है उनका जो फीडर पैटर्न है, जिसमें फीडर में मैंने आपको बताया प्राइमरी सेकेंडरी और एगियल तीन टाइप के फीडर्स होते हैं इनमें। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी हो गई। एग टाइप हैं इसको देख लेते हैं, जो अंडा देने वाली मुर्गी है लेयर, तो इसको कैसे मतलब जज करना है, एक तो ब्लीचिंग ऑफ येलो पिगमेंट इन द शैंक हीट और ब्लीक बी, एक कलर देखा जाता है पिगमेंट देखा जाता है कि इसकी शैंक ये जो इसके मतलब होंगे अपना ये अगर नीचे टॉयज हैं इसके टो हैं ये वाला, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको शैंक कहते हैं, ठीक है, ये फीट हो गया या टो हो गए, और ये ऊपर वाला पार्ट जो होता है इसको शैंक कहते हैं बर्ड में। तो जो इसकी करेक्टरिस्टिक देखी जाती है चुनने के लिए वो देखा जाता है कि बर्ड का जो है वो शैंक का कलर क्या है, पिगमेंटेशन कैसी है और बीक का कलर क्या है, ये चीजें देखी जाती हैं। इसके अलावा कंडीशन और कैपेसिटी देखी जाती है एब्डोमेन की, और इसके अलावा प्लूमेज का पैटर्न देखा जाता है, वीगर वर्टैलिटी देखी जाती है, हेड कैरेक्टरिस्टिक देखी जाती है, ये सारा कुछ जो है डॉक्टर जमशेद बता रहे हैं, जो ले कर रही हैं उसके लाइटर होते हैं। क्या लाइटर होते हैं, शैंक्स, शैंक्स जो है वो लाइटर होते हैं, शीट हो गया उनका जो कलर है वो ठीक हो गया। ये करेक्टरिस्टिक जो है वो थी अपना जो अंडे देती हैं लेयर वाली उनकी। अच्छा इसके अलावा जो है ऑर्डर एट द बॉडी पिगमेंट फेड, ये इनका जो ऑर्डर होता है जो पिगमेंट है बॉडी का वो किस तरह होता है, वेंट आई रिंग हेयर लॉब्स बेस ऑफ टीथ। ये
टिप ऑफ बीक, बॉटम ऑफ बिल्कुल फुट, शैंक और हॉक एंड टिप ऑफ टो। ये इसके जो है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स दिखाए गए हैं, ठीक है। और उसका जो है जैसे ये ऊपर ये देखिएगा आई रिंग, ये आई के ऊपर ये हो गया, फिर उसका ये एयर लोब, ये वाला एयर लोब है उसका, ये बीक आ गई, ये जो है पांचवें नंबर पे शैंक्स आ गया, और बाकी इसका ये पहले नंबर पे वेंट, और ये सारे पार्ट आ गए। इसको हम डिटेल में भी देख लेंगे इसकी अनाटोमी में ना, बर्ड की जब अनाटोमी हम देखेंगे तो उसके अंदर भी देख लेंगे इसको, इसके जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं। यहाँ देखिएगा ये वो है जिसके जिसने काम अंडे दिए हैं, और ये वो है जिसने ज्यादा अंडे दिए हैं। यहाँ पे तो ये लाइटर है और ये पिगमेंट ज्यादा है, वैसे इस में जैसे वो बता रहे थे अभी जमशेद, शायद उसके मुकाबले में तो इन्होंने वो दिया हुआ कि जो येलो मोर येलो है उस हेन ने ज्यादा अंडे दी कम अंडे दिए हुए हैं, और जिसका लाइट हो गया पिगमेंट उसने अंडे बहुत ज्यादा दिए हुए हैं। और इसी तरह जो है वो ये राइट वाली है और ये लेफ्ट वाली, ठीक है। ये गुड लेइंग हेन है, मतलब इसका कलर देखें जो है ब्राइट ब्राइट कलर है, ये देखेंगे इसका डल कलर हो गया है बिल्कुल, तो ये बुढ़ी हो गई हुई है, ये जो है अभी जवानी की सरहदों में दाखिल हो गई है। ये खैर एमसीक्यू के हवाले से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये तो डिटेल पार्ट में आ रहा है। आगे चलते हैं, ये वेंट आ गया, वेंट कलर आ गया, ठीक है। इधर वो उसकी पिगमेंटेशन के हवाले से बता रहा है, ये वाला जो होगा ये गुड कंडीशन वेंट है, और जो येलो पिगमेंट जहाँ पे आ गया वह वो वाला ओल्ड जो अंडे ज्यादा दे चुकी है उसका वेंट है, ठीक है। और आपको पता ही होगा चिकन में एक ही ओपनिंग होती है, इनमें अलग अलग ओपनिंग नहीं होती यूरन और फीसिस की, और यूरन और फीसिस तो नहीं इनका कहा जाता, इनका ड्रॉपिंग्स कहा जाता है, जो इनका मतलब एक्सक्रीटा होता है उसको ड्रॉपिंग कहा जाता है, और वो बाहर और उसमें जो इनका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का मटेरियल होता है वो मिक्स होता है, ठीक है। ये डिफरेंट बताया गया लेयर जो है उनका डिफरेंस, कि कौन सी लेयर को गुड लेयर कहा जाता है और कौन सी लेयर बर्ड को बैड कहा जाता है। व्हाइट क्यूरी के साथ डिपोजिशन ड्रॉपिंग है वो यूरन उनका होता है, हाँ जी। अच्छा, ब्लीचिंग ऑफ बॉडी पिगमेंट पे आ जाते हैं अगली स्लाइड पे, कि हेंस डेट शो साइंस ऑफ रिटर्निंग पिगमेंट आर डिक्रीजिंग इन एग प्रोडक्शन, के जिनका पिगमेंट ज्यादा गहरा होना शुरू हो जाता है उनकी प्रोडक्शन इसका मतलब है कम होना शुरू हो रही है। और ये उसी ऑर्डर में जैसे पीछे हमने स्लाइड में देखा था, कि उसी ऑर्डर में बॉडी पार्ट्स के ऊपर आता है जिस ऑर्डर में ये फेड हुआ होता है, ठीक है। कि जिस ऑर्डर के अंदर पिगमेंट फेड होना शुरू होता है, एक लेयर जो है वो अच्छे अंडे दे रही है और उसका आप देखते हैं कि पहले फलां चीज का कलर कम होना शुरू हुआ, फिर फलां चीज का कलर कम होना शुरू हुआ, तो इसी सूरत में दोबारा जब वापस आता है पिगमेंट तेज होना शुरू हो जाता है, वो उसी ऑर्डर में आता है जिस ऑर्डर के अंदर वो कम होना शुरू हुआ होता है। और 3 टाइम्स क्विकर आता है पिगमेंट जो है वापस। फैक्टर इसके अंदर वो बता रहा है क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, कि एक लेयर जो है वो पहले अच्छी प्रोडक्शन दे रही थी बाद में वो कम होना शुरू हो गई, अमाउंट ऑफ पिगमेंट इन फीड, के उसको जो फीड डाली जा रही है उसमें पिगमेंट की कितनी मकदार है, बर्ड की अपनी हेल्थ किस तरह की है,
बर्ड को क्या कन्फाइंड करके रखा हुआ है, बंद करके रखा हुआ है, मतलब केज के अंदर है या ओपन फार्म के अंदर है या वैसे घर के अंदर घूम फिर रही है, वो चीज भी देखी जाएगी। और हेन का ओवरऑल साइज और कोरसनेस भी देखी जाएगी, ओवरऑल उसकी बॉडी पैटर्न किस तरह का है, वो सारी चीजें भी देखी जाएंगी कि वो एग प्रोड्यूस करने की जो उसकी कैपेसिटी है वो क्या है। इसके बाद ये एब्डोमन के हवाले से उसका बताया गया है, ये जो अच्छा अंडा प्रोड्यूस करने वाली है उसकी ये करेक्टरिस्टिक होंगी, और जो नहीं बेहतर प्रोडक्शन में एब्डोमन को अगर हमने देखते हैं तो उसकी ये कंडीशन हो, ठीक है। गुड इंडिकेशन ऑफ एग प्रोडक्शन के अंदर क्या होगा कि एब्डोमन जो है वो वाइड होगा, सॉफ्ट होगा और एक्सपेंडेड होगा, मतलब कि बड़ा पेट होगा, नरम नरम होगा, गुदगुदा, वो जो है अच्छी लेयर के अंदर कंसिडर होगी। पेल्विक बोन जो है वो थिन होंगी और फ्लेक्सिबल होंगी, ठीक है, जो उसकी पेल्विक बोन है, क्योंकि पेल्विक बोन में से ही गुजर के उनके दरमियान से गुजर के अंडे ने बाहर आता है ना, वो थिन होंगी और फ्लेक्सिबल होंगी। और वेंट जो होगा, वेंट वो जो ओपनिंग है जहां से इसमें ड्रॉपिंग्स बाहर आती हैं उसको वेंट कहते हैं, जो पीछे दिखाया भी था, तो वेंट जो है मॉइस्ट होगा, लार्ज होगा और एबलोंग होगा शेप के अंदर। और जो नॉन लेयर है वो सारी चीजें इसके अपोजिट हो जाएंगी। देखिए क्या क्या, जो एब्डोमेन है वो नैरो होगा, छोटा होगा, हार्ड होगा, हार्ड होगा तो ये इंडिकेट करेगा कि फैट की लेयर ज्यादा हो गई है, उसमें हार्डनेस आ गई है, ठीक है। और उसके बाद जो पेल्विक बोन्स हैं वो थिक और रिजिड होंगी, और वेंट जो है वो स्मॉल होगा और राउंड हो जाएगा शेप में, ठीक है। यहाँ पे जो था वेंट वो ओब्लोंग था शेप के अंदर, इस तरह लगा लें आप और ये बिल्कुल राउंड हो जाएगा शेप में। ये एब्डोमन के हवाले से, उसके वेंट के हवाले से डिफरेंट करेक्टरिस्टिक आ गई अंडा देने वाली मुर्गी की, कि क्या क्या करेक्टरिस्टिक होती है। अगली स्लाइड पे आइएगा, और इसकी जो है एब्डोमन की कैपेसिटी को किस तरह मैयर किया जाता है वो दिखाया हुआ है। ये देखिएगा, एब्डोमिनल कैपेसिटी ऑफ ए हैन इज मेजर्ड एंड एक्सप्रेस्ड बाय वन फिंगर विथ, उंगली की मदद से इसको किया जाता है। नॉर्मल जो है वो तीन फिंगर्स की विड्थ होती है, एब्डोमन जो इसकी कैपेसिटी है उसको चेक करने के लिए। अच्छा जी, रूम में जाए डेट ऑफ नोट, अभी इसको लेक्चर हमारा एंड हो गया, पूरा टाइम हो गया, ये यहीं पे एंड हो जाना है। दोबारा ज्वाइन करें आप अगला लेक्चर जो है।